अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैराडाइज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कीमा आलू मटर की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ कीमा बनाने अपने किचन में। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg कीमा लिया है और अच्छे से धोकर एक छन्ने में रख दिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 फूल चक्री लेंगे। कुकर में हमने सरसों का तेल गरम किया है। आपकी तरफ जो सा तेल यूज़ किया जाता है वो यूज़ कर लें। 3 से 4 सेकंड के बाद प्याज डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें कीमा डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर कीमे को अदरक और लहसुन के साथ भून लेंगे। जब तक कीमा भुन रहा है हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को पेस्ट के जैसा बना लेंगे। इधर हमारा कीमा भी भुन चुका है, अब मसाले ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर मसाले को भून लेंगे। प्याले को खंगाल कर थोड़ा सा पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनने तक पका लेंगे। लीड को हटाकर चेक कर लेते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। चार से पाँच मिनट के लिए ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। कीमा मसाला और टमाटर के साथ अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें 1 गिलास यानी कि 200 ml के करीब पानी डालेंगे। कुकर की लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद फ्लेम लो कर देंगे। अगर आप मटन का कीमा बना रहे हैं तो 3 से 4 मिनट रखिए, अगर बीफ का है तो 7 से 8 मिनट रखिए। जब तक कीमा पक रहा है, इधर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू को छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है और 1 बोल फ्रेश मटर लिया है। कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम कीमा चेक कर लेते हैं। अब इसमें आलू और मटर ऐड कर देंगे। आलू को बिल्कुल छोटा छोटा काटना है ताकि आलू और मटर एक साथ गल जाए। अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे और कुकर की लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 2 प्रेशर आने के बाद पूरा प्रेशर निकाल देंगे। तो कुकर से हमने सारा प्रेशर निकाल दिया है। अगर मटर को प्रेशर में छोड़ देंगे तो मटर का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रेशर निकालने से मटर का कलर वैसा ही ग्रीन है। अब हम इसमें 1 मुट्ठी सोया और 1 मुट्ठी हरा धनिया कट करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास सोया ना हो तो सिर्फ हरा धनिया डाल लीजिए। 2 से 3 हरी मिर्च कट करके डालेंगे। मिर्चा और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन कर देंगे और बंद कर देंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट सेट होने के लिए ढकेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से हमारा कीमा आलू मटर बनकर रेडी है। तो आप इसको पूड़ी पराठे, पतली रोटी, मटर पुलाव या ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को भी। चैनल पर नए हैं तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।